हाय एवरीवन, वेलकम टू अप स्किल ऑल इन वन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि दो क्वेश्चन हैं हम लोग को दिया हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सो डैट, ये मतलब LHS RHS ये को प्रूफ करना है, ये कि सही है गलत है जो है इसको, ये इसको दिया हुआ है, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं LHS फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, देखते हैं फर्स्ट का LHS और RHS करके हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 43 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ट्रिक ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्रिक ध्यान में रखिएगा तो बेहतर, ये 42 है, 42 डिग्री, ओके, ये 42 डिग्री है, तो ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा। अब बस ये ट्रिक ध्यान में रखिए कि इसमें सारे एंगल को देखें, जिस जिस का एंगल ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है उसको साथ में ले लें। देखें 48 और 42 दोनों को ऐड कीजिए, 90 आ रहा है, मतलब इसको हम साथ में ले लें, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री दोनों को साथ में ले लिए। अब 23 और 67 को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री आएगा, तो इसको भी आप साथ में ले ले, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। तो इसको साथ में ले लिया। अब इसको अब क्या करना है, बस एक फॉर्मूला हमने बताया था पिछले लेक्चर में, हमने बताया था जो फॉर्मूला, बस उसी फॉर्मूला पे हमको बनाना है। क्या करना है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्मूला हमको लगाना है। तो यहाँ पे देखे, इसको हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा में तब्दील कर दें, चेंज कर दें, तो 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, 42 डिग्री, मतलब 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, अगर हमको कहीं लिखा होगा 4 इज इक्वल टू, तो 9 माइनस 5 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ लिख दिया है 90 माइनस 42, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है, tan 42 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे इसको हमने एक क्वेश्चन में कर लिया, अब दूसरे क्वेश्चन में हम देखें tan 23 डिग्री, अब इसको यहाँ ये 67 डिग्री को हम इसको भी चेंज कर देते हैं, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप 90 डिग्री में से 67 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाए, सॉरी 67 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 90 माइनस 23 डिग्री कर दिया है तो 67 डिग्री आ गया, ठीक है। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 42 डिग्री, प्लस प्लस सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ tan है, tan 42 डिग्री, ठीक है, दोनों cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री एक साथ आ गया। अब यहाँ पे tan 23 डिग्री है और 90 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा अभी हमने बोला था क्या है, cot थीटा, cot थीटा की जगह पे क्या है 23 डिग्री। अब हम ये जानते हैं, ये आप दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, एंड यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको हमने जब फर्स्ट लेक्चर बताया था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने ये बताया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लें तो बेहतर होगा, वैसे ये आप याद कर लें, ध्यान में रखें। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 42 है, इसमें 42 है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, अब इसमें भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है तो इसमें भी 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। तो इसका RHS क्या है, और RHS क्या है, RHS इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो LHS, चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसलिए प्रूव्ड हो जाएगा, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। हमको प्रूव करना है, सो डेट करना था, हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम सॉल्व करते हैं। तो LHS RHS को इक्वल करना है, तो LHS इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री,
ये हमारे पास LHS है। अब LHS RHS हमको प्रूफ करना है, तो इसका अब हम एक आपको क्या दे रहे हैं, ट्रिक दे देते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखें, इसमें मैक्सिमम टाइम में देखिएगा कोई भी क्वेश्चन में कि दो जोड़ा हमको दिया हुआ रहेगा, दोनों देखिएगा, अगर इस दोनों को ऐड करके देखिए 52 और 38, 90 डिग्री का जोड़ा दिया ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, तो इसका जोड़ा दिया होगा, ठीक है। तो उसको करना क्या है कि किसी एक को छोड़ के दूसरे को क्या करने हैं, दूसरे को चेंज कर देने का है 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फॉर्म में। तो इसमें हम और किसको चेंज करना है, ज्यादातर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपके 90 डिग्री से मतलब जो कम एंगल वाले होते हैं उसको सेम रखिएगा, और जो ज्यादा एंगल वाले होते हैं उसको चेंज कीजिए, करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे कम एंगल वाले 38 डिग्री है और ज्यादा एंगल वाले यहाँ पे क्या है 52 डिग्री है, तो हम कम एंगल वाले को ऐसा ही रख देंगे, ज्यादा एंगल वाले को हम चेंज करेंगे। तो LHS में हम लिख दें cos 38 डिग्री और cos 90 डिग्री माइनस क्या है 38 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिए कि अब यहाँ देखिए ये 52 बड़ा है या 38, तो 38 छोटा है, 52 बड़ा है, तो 52 को हमने चेंज कर दिया और 38 को सेम रखने दिया। इसी तरीके से इसमें देखें, इसमें साइन 38 को ऐसा ही रहने दिए, और साइन ये इसको चेंज कर दिए, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री माइनस 90 में से 38 अगर हम माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, तो 52 आ जाएगा, ठीक है। तो वही बस फर्स्ट वाला रूल हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इससे फर्स्ट वाले इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसी वाले रूल सबको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos 38 डिग्री ये सेम हो जाएगा, cos 38 डिग्री, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो ये आपको ध्यान में, बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पे क्या है 38 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 38 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखें ये दोनों फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो अब देखें यहाँ cos और यहाँ cos, यहाँ साइन दोनों को अब अरेंज कर देते हैं, यहाँ पे cos 38 डिग्री और साइन 38 डिग्री, माइनस यहाँ पहले cos लिख देते हैं, cos 38 डिग्री और साइन 38 डिग्री। अब यहाँ अब हमने पहले देखो, अब इसका इसमें हमने पहले अब बाद में से क्या लिखने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। 3 × 4, या 3 × 4 को यहाँ 3.4 भी ऐसे भी इंटू लिख सकते हैं, ऐसे भी 3 × 4 लिखेंगे तो 12 आएगा, 3 × 4 लिखेंगे 12 आएगा। अगर इसी को हम 4 × 3 लिख देते तब क्या 12 नहीं आएगा, बिल्कुल 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। तो इसलिए हम यह मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इंटरचेंज कर दिए हैं, इसका पोजिशन सिर्फ। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें cos 38 और साइन 38 इधर भी है, cos 38 और साइन 38 इधर भी है। अगर आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, यहाँ 3 है इंटू 4 है, माइनस यहाँ 3 है इंटू 4 है, तो इसको क्या ये 0 के इक्वल नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, कैसे होगा, यहाँ 12 − 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम ये स्टेप नहीं हमको नहीं करेंगे तब भी हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू ना निकाल कर डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेम है और बीच में एक प्लस का, एक प्लस इसकी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसलिए हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सटीक एग्जाम्पल। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब RHS की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए RHS की वैल्यू क्या है, यहाँ पे RHS की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे आप लिख दें RHS इज इक्वल टू 0, RHS इज इक्वल टू 0। तो इसी चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS इसलिए प्रूव्ड क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 2 क्वेश्चन बनाना था, तो हमने दोनों क्वेश्चन बना लिया और सारे अच्छे से बेसिक से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।